देख लो, कंसेप्ट ऑफ बेस ट्रिपलेट्स, कंसेप्ट ऑफ बेस ट्रिपलेट्स, इसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें हम सीखेंगे। जीरो से शुरू करते हैं, ढंग से समझिए। आप ये समझिए कि वो अगर हमारे पास ओरिजिन है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पो इज ओरिजिन, ये पो इज ओरिजिन, देन फॉर ईच पॉइंट लाइंग ऑन पॉजिटिव, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, then for each point P lying on x-axis unique lambda is exist such that OP vector is equal to lambda I cap such that OP vector is equal to lambda I cap, ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मान लो अगर हमारे पास Q क्या आएगा, इसको भी लिखी लो, चलो for each point Q for each point Q lies on y axis there exists unique mu such that OQ vector is equal to mu J vector such that OP vector OQ vector is equal to mu J vector, ठीक है ना? अब ढंग से समझना है, इसको थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं हम। अगर R एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ये 1D से जा रहे हैं 2D पे आ रहे हैं, अगर R हमारे पास किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी आर पॉइंट अगर लाई करेगा तो हर पॉइंट के लिए क्या आएगा, यूनिक लेमडा और म्यू, म्यू जे कैप प्लस लेमडा आई कैप, ठीक है ना? अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कोई लाई करेगा तो एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लाई करे, हर पॉइंट के लिए क्या होगा, यूनिक म्यू और जे होगा सच दैट ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जे कैप प्लस लेमडा आई कैप। नोट कर लो, फॉर ईच पॉइंट आर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन यूनिक डबलेट लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट सच दैट ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू म्यू जे वैक्टर प्लस लैम्डा आई कैप। बात समझ में आ गई ना? नॉर्मल सी बातें बताई हैं, अभी ट्रिपलेट के कंसेप्ट बता रहे हैं, ये लिख लो क्या, कंसेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स, समझिए। अगर हम ओ आर वैक्टर इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं, ढंग से समझना, थ्री म्यू जे कैप प्लस टू लैम्डा आई कैप, तो भी क्या होगा, फॉर ईच आर, लिख लो यार स्टेटमेंट,
फॉर ईच पॉइंट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, फॉर ईच पॉइंट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, यूनिक म्यू एंड जे एग्जिस्ट, यूनिक म्यू एंड जे एग्जिस्ट सच दैट ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू थ्री म्यू जे कैप प्लस टू म्यू टू लेमडा आई कैप. ठीक है ना, बात समझ में आई है? समझ आया? ध्यान दो, मतलब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो. इसको ऐसे लिखो, 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 ऐसे लिखो. समझने का ज्यादा है. प्लस लैम्डा टू आई. ठीक है ना? तो मैंने ये बताया, अगर हमारे पास आर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है और वो ओरिजिन है, तो हर पॉइंट आर के लिए लैम्डा और म्यू कैसे होंगे? यूनिक होंगे. मतलब यूनिक डबलेट होगा फॉर ईच पॉइंट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन. समझ गए ना? अब कंसंट्रेट करो, 2y और 3g को ऑब्जर्व करो यार. 2y और 3j कैसे हैं? 2y ये होगा और 3j इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ऐसा होगा. बात समझ में आई ना? ये 2y है, मैग्नीट्यूड का कोई अंतर ही नहीं है. तो यहां से इसलिए शुरू किया है कि अगर एक्स वाई प्लेन हमारे लिए नोन है, i और j नोन है, तो आई और जे के टर्म्स में हम जैसे म्यू आई लेमडा आई प्लस म्यू जे हर पॉइंट के लिए लिख सकते हैं. इनके मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें, जैसे थ्री जे और टू आई कर दें, तो भी लेमडा और म्यू क्या होगा? यूनिक होगा. बात समझ में आ रही है ना? अगर जेड एक्स प्लेन में कोई पॉइंट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? मतलब एक्स के और जेड एक्स है तो एक्स के और जेड आई एक ही बात है. लेकिन यहां से आपको यह समझना है, ढंग से समझना, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनके मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं? सेम नहीं है. आगे कंसंट्रेट करो, इससे थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट हमारे पास ये है कि अगर ये वेक्टर है, ये OA है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कैसे भी रिलेटेड हो कोई टेंशन नहीं है. ये बी वेक्टर है हमारे पास, ये बी पॉइंट है. ठीक है ना? इनके मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं है. तो इस प्लेन में हर पॉइंट आर के लिए हमारे पास क्या आएगा? फॉर ईच पॉइंट आर लाइंग इन प्लेन एओबी देयर एग्जिस्ट यूनिक लैम्डा एंड म्यू सच दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू. ये बात समझ में आ गई ना? लिख लो यार. इससे भी जनरल कंसेप्ट आएगा, भी लिख लो इसे. इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स एज सोन, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस. टफ पार्ट होता है, पट 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 होता है. क्या लिखा? फॉर ईच पॉइंट इन प्लेन एओबी देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स एंड वाई There exist unique x and y such that OR vector is equal to x a vector plus y b vector. ये बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया? समझ आ गए भाई? समझ आया?
मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर हैं जिनके बीच के एंगल जीरो नहीं है, 90 है मान लो, उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो उनसे कोई अगर प्लेन बन रहा है तो उस प्लेन का हर वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ढंग से समझना। इससे भी जनरल क्या है कि एंगल 90 ना होके क्या हो, नॉन जीरो एंगल हो। बात समझ आ रही है ना। अगर हमारे पास क्या है कि ये ए वेक्टर है और इससे कोई थीटा एंगल बन रहा है, ये पाई या जीरो नहीं होना चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा नॉट इक्वल टू पाई, इनके बीच का ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो फॉर ईच पॉइंट लाइंग इन दिस प्लेन, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लाई करे, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स एंड वाई सच दैट ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वैक्टर ये टू डी प्लस वाई बी वैक्टर। मतलब टू डायमेंशनल में ए और बी हम कैसे काम कर सकते हैं, एज बेस वैक्टर्स, एज बेस वैक्टर्स। बात समझ में आ गई ना। टू डायमेंशनल प्लेन में, मतलब एक प्लेनर में, प्लेन में अगर ए और बी हमारे पास ऐसे दो वेक्टर हैं जिनके बीच के एंगल क्या है, जीरो और पाई नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो उस प्लेन के हर पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। यूनिक एक्स और वाई एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ओ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। नोट कर लो, ये जनरल है। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू पाई, इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू पाई, देन फॉर ईच पॉइंट आर लाइंग इन द प्लेन एओबी यूनिक एक्स एंड वाई एग्जिस्ट सच दैट ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। बात समझ में आ गई ना। मतलब ए और बी कोई भी दो वेक्टर हो, अगर उनके बीच के एंगल जीरो और पाई नहीं है, तो वो किसी एक प्लेन के लिए क्या है, बेस वेक्टर्स हैं। उस प्लेन के हर पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। बात समझ में आ गई ना। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया दीपेश? ठीक है, फिर आगे ध्यान दो। जैसे आईजे के हमारे पास क्या है, स्पेस की बात करें अगर हम, सबसे पहले हमने बात की 1D की, जैसे अलोंग हर वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, हर पॉइंट के लिए एक यूनिक लैम्डा आएगा सच दैट ओपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप, या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग भी हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्स वाई प्लेन के लिए बात किया तो जनरल क्या है, लैम्डा आई प्लस म्यू जे। उससे भी जनरल क्या हुआ कि इनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एंगल 90 है, और सबसे ज्यादा जनरल क्या है कि कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू जीरो और पाई नहीं है, तो उस प्लेन का हर वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ठीक है ना। आगे कंसंट्रेट करो, हमें ये नोन है आई जे के, ये तीनों तो जानते ही हैं हम, ओ ऑरिजिन है, तो इस उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर ईच पॉइंट लाइंग इन स्पेस यूनिक एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एग्जिस्ट सच दैट ओ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, मतलब हर पॉइंट के लिए क्या है यूनिक एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे सच दैट वार वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। एक नोट लिखो ऐसे आई जे के IJK is very originally a base triplet means for each point are lying in space unique x comma y comma z exist such that OR वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको ढंग से समझना। बेस ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम के बेस ट्रिपलेट्स हैं। बेस ट्रिपलेट का मतलब ये है कि हम जिनके टर्म्स में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब IJK के टर्म्स में हर वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, कंसंट्रेट करिए। I और J जो टू डायमेंशनल बेस ट्रिपलेट थे डबलेट थे, उसको मैंने किससे रिप्लेस किया था, किन्हीं दो वेक्टर से, ये हमने किया था जिनके बीच का एंगल क्या है, कोई थीटा है। बात समझ में आ गई ना, मान लो एक्स वाई प्लेन में ऐसे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और के वेक्टर भी क्या होगा, बेस ट्रिपलेट। मान लो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ए ओ बी किसमें है दो वेक्टर, ऐसे लिखो थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा नॉट इक्वल टू पाई, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन, बात समझ में आई ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के वेक्टर क्या होंगे, बेस ट्रिपलेट। हर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ आर वेक्टर इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। बात समझ में आई है, समझ आए। आई और जे के इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया था अभी, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं जिनके बीच के एंगल जीरो और पाई नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं है, बेस वेक्टर का मतलब क्या है, जिनके टर्म्स में हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें, समझ आ गए ललित। नाउ कंसंट्रेट करो और समझो थोड़ा सा, जैसे आई जे के हमारे पास बेस ट्रिपलेट है, टू आई जे के ये भी क्या है, बेस ट्रिपलेट है, ठीक है ना। टू आई थ्री जे फाइव के ये भी क्या है, बेस ट्रिपलेट है, ठीक है ना, समझ आए, समझ आ गया। इसके अलावा मैंने ये बताया जैसे आई आई प्लस टू जे के ये भी क्या है, बेस ट्रिपलेट है, ये एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर आ गया। बात समझ में आ रही है ना। नाउ कंसंट्रेट करो कि जो सबसे जनरल बेस ट्रिपलेट क्या होगा, जैसे ए वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर है,
बी वेक्टर, ये वेक्टर है अल्फा, ये थीटा है मान लो एंगल, ठीक है ना। थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा नॉट इक्वल टू पाई, तो इससे ये वाला प्लेन तो कवर हो गया एओबी। अब थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, थीटा नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है ना। नाउ कंसंट्रेट करो, इससे ये वाला प्लेन तो पूरा कवर हो जाएगा। अब अभी तक हम जो मानना है इसके परपेंडिकुलर ही मानना है के, वो भी जरूरी नहीं है कैसा हो परपेंडिकुलर। ऐसा भी हो सकता है कि सी वेक्टर हम कैसे मान लें, जो एओबी से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब इसी प्लेन में नहीं होना चाहिए। अगर सी ऊपर है प्लेन से, ढंग से समझिए, मान लो ये हमारे पास ये वाला प्लेन बन गया, इससे सी क्या बना रहा है अल्फा, ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये वाला एंगल क्या बना रहा है अल्फा, ये वाला कितना है थीटा। तो सबसे ज्यादा जनरल बेस ट्रिपलेट क्या होगा, जैसे रेक्टेंगुलर सिस्टम हमारे पास क्या है ई और जे में, उससे जनरल सिस्टम क्या है, बात नहीं करूं, उससे जनरल सिस्टम क्या है कि ये दो वेक्टर हमने ऐसे ले लिए जिनके बीच का एंगल क्या है थीटा। 3D में जनरल रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या है आई जे के, ठीक है ना, 2IJK हो सकता है। एक हमने ऐसा ले लिया कि ए बी लिया और के ले लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जनरल क्या होगा कि हमने ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, ये दोनों नॉन जीरो हैं, ठीक है ना, नाम देता हूं ये ए ओ बी, और सी वेक्टर कैसा ले लिया, नॉन जीरो है और ओसी वेक्टर एओबी से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, एओबी जो प्लेन है उससे एंगल कितना बना रहा है अल्फा, प्लेन से बाहर है ये वेक्टर, बात समझ में आ रही है ना। ये जो सी अगर ये 90 होता तो के हो जाता, ये बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे ज्यादा जनरल बेस ट्रिपलेट क्या हुआ, इफ ओ ए वैक्टर इक्वल टू, लिखो जरा, ओ ए वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर। इनसे जो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं वो हवा भी नहीं लगती, टफ प्रॉब्लम्स होती हैं, ढंग से समझिए, नॉर्मल सी बात है। ओ ए वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर, थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू पाई, एंड ओ सी वैक्टर इक्वल टू सी वैक्टर। इफ एंगल बिटवीन द प्लेन एओबी एंड लाइन ओसी एंड लाइन ओसी इज अल्फा, वो अल्फा क्या है हमारे पास, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो सी प्लेन में आ जाएगा टू जीरो, अल्फा नॉट इक्वल टू पाई, बात समझ में आ गई ना। तो हमारे पास क्या आया, देन ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर्म्ड मोस्ट जनरल बेस ट्रिपलेट, लिख लो यार, देन ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर्म्ड मोस्ट जनरल बेस ट्रिपलेट, बात समझ में आई ना। मतलब इन तीनों वेक्टर की खास बात क्या है, तीनों को तीनों कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, बात समझ में आ गई ना। एक स्टेटमेंट लिख लो, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स थ्री
three non-zero non-coplanar vectors. Always form base triplet. ढंग से समझना ये, जैसे आईजीके के टर्म्स में हम कोई भी वेक्टर डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही तरह से समझना हूं, जैसे आईजेके के टर्म्स में हम कोई भी वेक्टर डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हर वेक्टर डी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एबीसी अगर हमारे पास नॉन कोप्लेनर है, एबीसी अगर हमारे पास नॉन कोप्लेनर है तो उनके टर्म्स में भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर, किसी भी वैक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है, समझ आ गया है? समझ आया थोड़ा बहुत? दोबारा से मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं, कंसंट्रेट करना, थ्री डी के लिए ही बात कर रहे हैं, जैसे ये आई कैप, ये जे कैप, एंगल कितना है 90, और इससे भी के कैप, प्लेन से एंगल कितना बनना है 90, तो हर वेक्टर डी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। बात समझ में आ गई ना? इनके मैग्नीट्यूड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, और सबसे ज्यादा जनरल क्या है, मैंने क्या बताया, इधर ये वेक्टर है, इससे क्या बना रहा है, ये बी वेक्टर अल्फा बना रहा है या थीटा बनाया था शायद, और सी वेक्टर क्या बना रहा है, इस प्लेन से क्या बना रहा है, अल्फा। तो ये भी हमारे पास क्या है, बेस ट्रिपलेट, मतलब हर वेक्टर डी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप। बात समझ में आ गई ना? कंसंट्रेट करना, ये भूल जाते हैं, दोनों को ऐसे रिलेट कर लो, यहां से क्लियर होगा, ये तो ध्यान ही है इसलिए इससे रिलेट किया है, लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट टाइप्स के वर्ड से नहीं बताया, उससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये तो मालूम ही है ना, समझ आ गए? ठीक है ना? अब एक पॉइंट लिखना है, ढंग से समझना पहले, अगर ए और बी ऐसे वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल जीरो और पाई नहीं है, सही तरह सुनिए, ऐसे वेक्टर्स हैं ए और ये बी है, ये अल्फा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ट्रिपलेट है, ध्यान से देखो, तो ए बी और ए क्रॉस बी, ये बेस ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, ए किसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लो जरा, ए कॉमा बी, ये भी किसका काम करते हैं, तीनों चीजें आईजीके का काम करते हैं, लिख लो जरा, If A and B are two non-parallel vectors, then A comma B comma A cross B form base triplet. मतलब हर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड ए क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई ना भाई, इसके प्लेन में नहीं होगा, एंगल भी 90 आएगा, इंपॉर्टेंट बात है, समझ आया ये? दीपेश समझ आ गया? आगे ध्यान दो, रिलेट करके ही बता रहा हूं मैं, आई जे के
हर एक स्टेटमेंट से यहां पर प्रॉब्लम बनती है, सही तरह से समझना। आई जे के है, ये बेस ट्रिपलेट है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस के आई, आई क्या होता है, आई जे के चलता है, आई क्रॉस जे कितना आता है, आई क्रॉस जे कितना आता है, कुछ बातें नहीं कर, आ गया जा पाई, आ गया जा, इंपॉर्टेंट बातें, दूर हो जाओ, दूर इधर वाली सीट पे आ जाओ, इसके पीछे आ जाओ, दीपेश के पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, पास पास नहीं बैठो, आगे आ जाना, कोई बात नहीं, पीछे वाली बैठ जाओ, अरे इधर वाली बैठ जा, ललित दीपेश इधर आ जा, तू बैठे रहो ना, ये समझो जैसे आई क्रॉस जे है, आई जे के बेस ट्रिपलेट है, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा, के, जे क्रॉस के कितना आएगा, आई, और के क्रॉस आई कितना आएगा, क्या रहता है, आई जे, के क्रॉस आई कितना आता है, जे, बात समझ में आ रही है ना। तो आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई एबीसी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, लिख लो यारा, इफ एबीसी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, then they form base triplet, और अगर ये base triplet है इसका मतलब क्या होगा, a cross b, b cross c and c cross a, ये भी क्या form करेगा, base triplet, समझ गए ना, मतलब ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, इन दोनों के इसके परपेंडिकुलर ये है, ये तीनों भी कैसे हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेक्टर डी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, यूनिक एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे, और ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वेक्टर इक्वल टू कितना आ सकता है, एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वाले एक्स वाई जेड और ये वाले एक्स वाई जेड सेम हो, लेकिन जो भी ये होंगे और ये होंगे दोनों कैसे होंगे, यूनिक ही होंगे, समझ गए ना, क्या क्या हुआ, नहीं सी तो ए क्रॉस बी तो एसेंशियली क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, सी तो इससे अल्फा पे भी हो सकता है ना, लेकिन ये बात है कि एक जैसे आप तो ये कह रहे हो कि क्या के को ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा आई प्लस, मतलब ये तो परपेंडिकुलर सिस्टम है ना, इसलिए लिख पा रहे हैं हम, लेकिन यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि एबीसी अगर नॉन कोप्लेनर है तो बेस ट्रिपलेट है, तो निश्चित तौर पे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए भी कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे, तो वो भी क्या बनाएंगे, बेस ट्रिपलेट। हर वेक्टर डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड इसके लिए जो आएगा और इसके लिए जो आएगा वो दोनों के लिए यूनिक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कैसा हो, सेम, बात समझ में आ गई ना। तो थोड़ा सा मैंने बेस ट्रिपलेट के बारे में बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की और इक्वेशन सॉल्विंग की, ढंग से एक बार रिवाइज कर लो।
रिवाइज कर लें एक बार, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग आर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो एंड आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी साइमल्टेनियसली. ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉमन पॉइंट ज्योमेट्रिकली. ये ज्योमेट्रिकली फर्स्ट वन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी. भाई नॉन जीरो है ये सब वेक्टर्स, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? ढंग से देखना, पैरामेट्रिक फॉर्म में के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर माइनस ए वैक्टर जस्ट इक्वल टू लेमडा बी वैक्टर, लेमडा इज पैरामीटर. तो आर वैक्टर इक्वल टू क्या आ गया? ये सब सिखाया था मैंने, ए प्लस लेमडा बी. तो फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर एंड लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर. सेकंड में देखो ये क्या है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी क्या था? प्लेन की इक्वेशन थी. ये बात समझ में आई ना? ये तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, वेरिएबल है ना लैम्डा. यस. अच्छा सेकंड में तो वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आर डॉट समझिए ज्योमेट्रिकली पहले एक्सप्लेन कर देते हैं. आर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन एंड डी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन प्लेन कितना होगा? डी अपॉन मॉड ऑफ एन. समझ गए ना? तो लेकिन अब हमें सॉल्व करना था तो लैम्डा निकालना पड़ेगा. इस आर को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा? ढंग से देखना, ए प्लस लैम्डा बी डॉट क्या था एन इक्वल टू डी. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? डी माइनस ए डॉट एन वेक्टर अपॉन बी डॉट एन वेक्टर. तो पॉइंट क्या आ गया? यूनिक पॉइंट आ रहा है. अगर आएगा तो कितना आएगा? ए प्लस लेमडा बी. तो आर वेक्टर जो कॉमन पॉइंट है वो क्या आ गया? ए प्लस लेमडा की जगह ये लिख देंगे डी माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन बी वेक्टर. बात समझ में आ गई ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन. समझ आ गए? समझ आया दीपेश? समझ आया? बी डॉट एन इक्वल टू जीरो क्या एम्प्लाइज करेगा? हाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा. बी क्या है? लाइन के पैरेलल वेक्टर है. बी क्या है? लाइन के पैरेलल वेक्टर है. और एन क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है. तो बी डॉट एन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू प्लेन. तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा. समझ गए ना? या पर एक और केस हो सकता है, पूरी पूरी लाइन ही किसमें आ जाए? प्लेन में आ जाए. तो उसे डिस्कस कर देंगे अपन, कोई टेंशन है नहीं. समझ गए ना? समझ आ गए? समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखो.
अब कर लेंगे, रिवाइज करके आना। पूरा वेक्टर, वेक्टर 3D है जो भी आपने पढ़ा है पहले, पूरा रिवाइज करके आइए, ठीक है ना।